मैं डॉक्टर राकेश जैन चाइल्ड न्यूरोलॉजिस्ट हूँ फोर्टिस गुड़गांव हॉस्पिटल में। आज मैं बच्चों में सरदर्द के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा आपको। लोगों को लगता है कि बच्चों को सरदर्द नहीं होता है या बच्चे ऐसे ही, हम कई बार सीरियसली नहीं लेते हैं बच्चों को कि ये ऐसे ड्रामा कर रहे हैं बच्चे, लेकिन ऐसा नहीं है। बच्चों में भी सरदर्द होता है, माइग्रेन भी होता है और फेयरली कॉमन है आई वुड से। लेकिन अगर हम प्रॉपर हिस्ट्री लेके कि सरदर्द के साथ में और क्या होता है, वॉमिटिंग है या आँखों से पानी आता है, लाइट चुभती है आँखों में, तो हमें पता लग जाता है कि हम ये माइग्रेन की तरफ जा रहे हैं या हेडेक का कारण कोई और है। माइग्रेन अगर है तो ये मान के चलिए कि करीबन 60-70% बच्चों में माइग्रेन अपने आप ठीक हो जाता है विद सम लाइफस्टाइल एडवाइस एंड सम मेडिकेशन। मोस्टली बच्चों को मैं दवा नहीं भी देता हूँ, सिर्फ डायग्नोसिस करेक्ट बनाने के बाद हम उनको कुछ लाइफस्टाइल, कुछ डाइट ये सब एडवाइस करते हैं और बच्चे काफ़ी हद तक ठीक हो जाते हैं। एक चीज इसमें मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि अगर बच्चा 5 साल से कम है और वो हेडेक की कंप्लेन करता है, खासतौर पे कभी रात को उठता है हेडेक के साथ, तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। इसमें हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे को कहीं कोई ब्रेन के अंदर कोई स्वेलिंग है, कोई गांठ वगैरह या ट्यूमर जिसको हम बोलते हैं, वो तो नहीं है। क्योंकि 5 साल से कम के बच्चे को हेडेक वगैरह रेयर होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, पर हो सकता है, तो उसे हमें बड़ा सीरियसली लेना चाहिए। और आमतौर पर 5 साल के बच्चे से कम वाले में हेडेक अगर होता है तो हम MRI या CT स्कैन जरूर कराते हैं, MRI इज ऑलवेज प्रेफर्ड। तो हेडेक से घबराएं नहीं, अप्रोप्रिएट एडवाइस लें और 70-80% चांस हैं कि हम उससे निजात पा लेंगे। थैंक यू वेरी मच।